नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। पिछले दिनों वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। हालांकि इसके बाद इस ऑलराउंडर ने आईपीएल से वापसी की, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा। बहरहाल टी20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का ऐलान किया गया। टी20 वर्ल्ड कप टीम में हार्दिक पांड्या जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद पांड्या के चयन पर खूब ज्यादा सवाल उठे। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि हार्दिक पांड्या को दबाव में चुन लिया गया, लेकिन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है, इस सवाल का जवाब दिया है बीसीसीआई सचिव जय शाह ने। जब बीसीसीआई सचिव जय शाह से टी20 वर्ल्ड कप टीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैच आईपीएल के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों का चयन नहीं किया गया, इसके अलावा भी कई बातों को आधार बनाया गया, खासकर किस खिलाड़ी का आखिर इंटरनेशनल अनुभव कितना रहा। उन्होंने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया जिसमें ये कहा गया कि हार्दिक पांड्या को दबाव में लिया गया है। साथ ही जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम पर अपनी बात भी रखी है। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम पर जय शाह ने कहा है कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम काफी शानदार है। इसमें अनुभवी खिलाड़ियों के अलावा युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के चयन में चयनकर्ताओं ने महज आईपीएल को आधार नहीं बनाया। इस प्रक्रिया में कई बातों का ध्यान रखा गया, खासकर इन खिलाड़ियों ने विदेशी सरजमी पर आखिर कितने मैच खेले हैं, इन खिलाड़ियों का इंटरनेशनल अनुभव आखिर कितना रहा है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान जब हुआ तो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया था, जिस पर कई सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि आखिर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की जब कप्तानी कर रहे थे तो वैसा प्रदर्शन नहीं आया, टीम ऑलरेडी आईपीएल से बाहर हो गई, तो आखिर हार्दिक पांड्या से आखिर क्या उम्मीद लगाई जाए कि क्या वो वर्ल्ड कप में सफल खिलाड़ी बनेंगे। आपको क्या लगता है कि टीम में हार्दिक का चयन एज अ ऑलराउंडर आखिर कितना सही है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि टीम इंडिया के लिए जब जब मुश्किल समय में हार्दिक पांड्या ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। अभी हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।